हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रिमिंग द सागा कंटिन्यूज जो हॉर्नबिल का एक चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखा गया है एआर विलियम्स के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि किंग टट और उनके समय की बातें कैसी थी। किंग टट जब मरे तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि वो आखिरी वंशज थे एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के, जिसने सालों तक इजिप्ट पर राज किया, जो एंशिएंट इजिप्ट था उस पर सालों तक राज किया, उसके वो आखिरी वंशज थे। और वो अपनी टीनेज की उम्र में ही अचानक से मर गए। उनकी मृत्यु एक अभी भी रहस्य है और बड़ा ही शॉकिंग पीरियड रहा होगा जब उसकी मृत्यु हो गई एकदम से। मैं आगे बताता हूँ कि जो हमें पता है अभी तक कि कैसा रहा था उनका समय पहले का। तो अमेनहोतेप III जो कि टट के फादर या फिर शायद ग्रैंडफादर थे, जिसका अभी मतलब क्लियर नहीं पता है क्योंकि हिस्ट्री क्लियर नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल फैरो थे। उन्होंने अब कम से कम 40 साल तक उस एंशिएंट इजिप्ट पे राज किया। जब उनका राज चल रहा था तो उसे बोलते हैं कि वो 18 डायनेस्टीज का गोल्डन एज था, मतलब सबसे अच्छा समय था जब उसके राज में था, अमेनहोतेप III के राज में था। फिर उसका बेटा अमेनहोतेप IV आया और उसने जैसे ही वो अपनी गद्दी पे बैठा उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम चला दिया, अजीबोगरीब समय चला दिया। उसने काफी चीज चेंज कर दी। जैसे उसने पहले तो अतेन जो कि एक गॉड है उनकी वर्शिप को प्रमोट किया, और अमून जो कि एक गॉड है जिसको पहले से ही एंशिएंट इजिप्ट के लोग बहुत मानते हैं, उनको उसने उनकी पूजा करना बंद करवा दिया, उनकी मूर्तियां फोड़ दी और अतेन की ही पूजा और मूर्तियां बनवाना प्रमोट किया। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, अमेनहोतेप IV से अखेनाथेन में अपना नाम चेंज कर लिया, जिसका मतलब होता है कि सर्वेंट ऑफ अतेन, मतलब कि अतेन का, अतेन जो कि गॉड है उनका सेवा। उसने अपना नाम यू चेंज कर दिया। उसने जो एंशिएंट इजिप्ट की कैपिटल थी थेब्स उसको भी नई सिटी में चेंज कर दिया जो कि थी अखेनाटेन, और उसने इतना सब किया। ये इसके ऊपर रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, वो कमेंट करके बोलते हैं कि ये समय जो है बहुत ही हॉरिफिक समय होगा, बहुत ही ड्रामना और बहुत ही बदतर समय होगा एंशिएंट इजिप्ट के लोगों के लिए। फिर जब अखेनाटेन की डेथ हुई उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर, मतलब ऐसा रूलर आया जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, जिसका नाम था समीन खखरे, और वो कुछ समय के लिए आया और जल्दी ही चला गया। उसका कोई हमारे पास ट्रेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है हिस्ट्री में, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत ही यंग रूलर जो कि तुतनखातेन आया, यानी जो कि हम किंग टट से नाम से, जिसको हम किंग टट के नाम से जानते हैं, और उसने राजगद्दी को संभाला आगे से। और उसके बाद उसने राजगद्दी को संभाला, उसने सारी चीज फिर दोबारा रिस्टोर करी। वो चाहता था कि पहले का समय जैसे था, मतलब अखेनाटेन के पहले का समय जैसे था, उसने चाहा कि वो समय वापस लाया जाए। उसने दोबारा अमून की पूजा को प्रमोट किया, अतेन की को नहीं किया। जैसे अमून जो उनका पहले का थे जिसको पहले से मानते थे उसको ही प्रमोट करना उसने सही समझा। उसने अपना नेम तुतनखातेन से तुतनखामून रख दिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। जो किंग टट है यानी तुतनखामून है वो कम से कम 9 साल तक उसने राज किया, फिर अचानक से मर गया और उसकी मृत्यु का कारण एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसकी जो फेम और नेम हुआ प्रेजेंट वर्ल्ड में जब हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया वो बहुत ज्यादा था। पर जो तुतनखामून की मम्मी है वो एक अकेली मम्मी नहीं है जो इजिप्ट में पाई गई है, कम से कम अभी तक 300 मम्मीज पाई जा चुकी हैं। तो मैं आगे आपको हॉवर्ड कार्टर के बारे में बताऊंगा कि उसने जो किंग टट है उसकी टॉम को, यानी उसकी जो मकबरे को, उसको कैसे ढूंढा था। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले कि हॉवर्ड कार्टर कौन था। हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में, ये डेट याद कर लेना, 1922 में टट की टॉम को यानी किंग टट के मकबरे को ढूंढा था। कई सालों की सर्चिंग के बाद, ढूंढने के बाद उसको किंग टट का मकबरा मिला था। और उसमें जब उसने देखा तो जो किंग टट का मकबरा है वो अभी तक का रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सोने की चीजें, आर्टिफैक्ट और महंगी चीजें मिली हैं, जो कि अभी तक का शायद सबसे महंगा जो चीजें हैं हमें इजिप्ट के मिली है, मतलब एंशिएंट फैरोज में मिली है, वो उनमें से एक था। और जब उसकी डिस्कवरी हुई किंग टट की, जब हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में करी, तब वो एक बहुत बड़ी सेंसेशन थी, बहुत बात फैली थी इसकी हर जगह कि एक किंग टट का मकबरा मिला है, उसमें इतना खजाना है, सोना है, ये है। तो आगे बताते हैं कि किंग टट के मकबरे में क्या मिला था। किंग टट के मकबरे में सोने की चीजें, लग्जरीज, पैसे, ये सब मिले थे, क्योंकि पुराने इजिप्ट के लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। आफ्टर लाइफ में यानी इस लाइफ के बाद जो हम अभी जी रहे हैं, इसके बाद भी एक लाइफ होती है और हम मरने के बाद उस लाइफ में चले जाते हैं, और वो सोचते हैं जो वो यहाँ पर अमीर है तो वहां पर आफ्टर लाइफ में जाके भी अमीर ही रहेंगे, तो ये सोच के वो रखते थे। जो किंग टट का मकबरा था उसमें उसकी डेली यूज की चीजें जैसे कि बोर्ड गेम या फिर ऐसी चीजें जो वो चाहता था कि वो उधर ले जाए, मतलब अपने आफ्टर लाइफ में ले जाए, जैसे ना शराब, रेजर, ऐसी चीजें भी वहां पर मिली। तो मतलब इससे हमें यह साबित होता कि वो आफ्टर लाइफ में मानते थे और उन्होंने वो सारी चीजें उसके मकबरे में डाली थी जो तुतनखामून चाहता था कि उसके आफ्टर लाइफ में मिले। जो किंग टट का 3 नेस्टेड का मकबरा था उसमें उसने देखा कि ऑलिव के लीव्स हैं और लोटस के पीटल्स हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि जब दबाया होगा उनको, मतलब किंग टट को, तब वो महीना मार्च या अप्रैल रहा होगा। कुछ महीनों के केयरफुली, मतलब ध्यान पूर्वक उस शाही खजाने को गिनने के बाद जब वो किंग टट की बॉडी तक
पहुंचा तो वो एक दिक्कत में पड़ गया, क्योंकि जो उसका जो गोल्ड का कफिन था, मतलब सोने का कफिन था, जो उसका पूरा कफिन था वो सोने का बना हुआ था, उस पर उसकी बॉडी चिपक गई थी, क्योंकि एक रेजिन नाम का लिक्विड डालते हैं वो। तो उसने उसको हटाने के लिए क्या किया, पहले तो उसने उसको हटाने के लिए जो किंग टट की मम्मी है उसको उसके कफिन के साथ इजिप्ट की धूप में रख दिया, जो इजिप्ट की धूप बहुत ही तेज होती है, और उसने सोचा कि इससे असर पड़ेगा, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अपने वर्कर्स को जो मतलब उसके साथ थे उनको ऑर्डर किया कि उसके सारे जॉइंट्स, जो मतलब किंग टट की बॉडी के सारे जॉइंट्स, यानी हाथ की रिस्ट का जो जॉइंट होता है, एल्बो का जो जॉइंट होता है, शोल्डर का जॉइंट होता है, उन सबको काट दिया, और फिर हर एक पीस को सेपरेटली नीचे से चाकू से या फिर जैसे भी उन्होंने काट के अलग कर दिया, और फिर एक वुडन जो मकबरा था उसके लिए टॉम बनाया होता उसमें रख दिया उसको, और फिर दोबारा से असेंबल कर दिया उस पूरे उनके जो टुकड़े टुकड़े करके दोबारा असेंबल कर दिया, जिस जो कि एक तरीके से गुनाह है, क्योंकि किसी को भी जो एंशिएंट का सामान है या फिर जो एंशिएंट ममीज है उनको डैमेज करना अलाउड नहीं है। और इसके अपने बचाव में कहने के जब कार्टर से आगे जाके पूछा गया, तो अपने बचाव में कार्टर के लिए कहने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, पर उसने ये कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उस गोल्ड कफिन के लिए, मतलब जो सोने का मकबरा था उसके लिए जो चोर हैं वो मेरे वर्कर्स को मार के और उसको ले जाते, जिसके साथ किंग टट की बॉडी भी चले जाती और वो ज्यादा बड़ा नुकसान होता। तो ये सीन था जो कार्टर के साथ हुआ था, उसने कैसे मम्मी ढूंढी। आगे इसमें बताता है कि अब जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत चेंज हो चुकी है, पहले खजाने पे के पैसे पे उस कीमत पे ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन अब जो आर्कियोलॉजी काफी चेंज हो चुकी है, वो जानना चाहते हैं कि मेडिकल साइंस कैसी थी पहले जमाने की, जो लोगों की मृत्यु होती थी, मौत होती थी, वो कैसे होती थी, वो अब उनकी रिसर्च एक्सरे सिटी स्कैन से पता करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो किंग टट है उनका एक सिटी स्कैन हुआ था 1968 में, जो कि मतलब 40 साल बाद जो कार्टर ने डिस्कवरी की 1922 में, कम से कम 40 साल बाद फिर एक एक्सरे होता है जिसमें हमें पता लगता है कि जो किंग टट का चेस्ट है, उसकी जो चेस्ट बोन है, मतलब जो रिब की हड्डियां होती हैं, वो सब गायब हैं और उनके कई सारे इंटरनल ऑर्गन भी गायब हैं। तो हमें ये पता लगता है। तो चलो अब हम आ जाते हैं कि मॉडर्न टाइम में, जो मॉडर्न टाइम में किंग टट की जो सिटी स्कैन होता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 5 जनवरी 2005 को जो किंग टट की जो मम्मी थी उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। पूरे आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद के समय सारे टूरिस्ट जो थे अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार के जो टूरिस्ट थे, वो उधर मकबरे के पास खड़े हुए थे। कई अपनी गाइड बुक में पढ़ के हैरान हो रहे थे, कई डर रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे कि जो कर्स है, मतलब जो कि शराप है, कि जो इस फैरो को उठाएगा उसको उसकी मृत्यु होगी या फिर उस पे मिसफॉर्च्यून आएगा, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य आएगा, और आपस में खुसफुसा के डर रहे थे। जो जाही हवास है, जो सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स का, वो बोलता है कि ये जो मम्मी है बहुत ही बेकार कंडीशन में है, क्योंकि जो हॉवर्ड कार्टर ने किया था, हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था, उसके जो जॉइंट्स हैं उनको डैमेज कर दिया था। किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन में डाला गया, उसने हेड टू टो मतलब सिर से लेके पांव के एडी तक सब कुछ स्कैन किया उसकी बॉडी को, और एक वर्चुअल इमेज बनाई जिसमें 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज थी जो क्रॉस सेक्शन में रखी गई, ताकि एक 3D इमेज बने किंग टट की बॉडी की, और जिससे हम किंग टट की बॉडी में रिसर्च कर सकें। एक स्पेशलिस्ट टीम थी उस वहां पर खड़ी थी कि सिटी स्कैन के रिजल्ट को देखने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए, स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी वहां पर खड़े, और वो जब स्कैन कंप्लीट हुआ तो वहां पर जाके उसकी जांच करने लगे, वो सीक्रेट को फाइंड करने लगे कि वो क्या रहस्य था, क्या कारण था जिसके कारण जो किंग टट है यानी तुतनखामून है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनका मतलब एकदम से उनकी मौत कैसे हुई थी, उसका कारण जानने के लग गए। इसमें बताते हैं कि जब स्कैन हो रहा था, स्कैन के लिए जब वर्कर जो थे वो लाते हैं स्कैन के लिए सिटी स्कैनर में, जो सिटी स्कैनर जो नेशनल ज्योग्राफी वाले हैं उन्होंने उसको डोनेट करी थी, जो कि $2 मिलियन का स्कैनर है, उसके लिए जब स्कैन करने के लिए जो वर्कर है किंग टट की बॉडी को उठा के लाते हैं उसी वुडन बॉक्स में जिसमें हॉवर्ड कार्टर ने उसके जॉइंट को काट के रीअसेंबल किया था, तब जो लाते हैं तो जो सिटी स्कैन थी वो बीच में रुक जाती है, क्योंकि जो फैन है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी घुस जाती है इजिप्ट की, और आपस में जो गार्ड होते हैं वो आपस में थोड़ा मजाक में बोलते हैं कि शायद यही फैरो का कर्स है, फैरो का शराप है, तभी ये बंद हुआ है। फिर कुछ समय बाद दूसरा फैन लगाया जाता है और भगवान की दया से वो चल जाता है, और फिर आखिर में जो है सिटी स्कैन कंप्लीट हो जाता है। जाही हवास आखिर में बोलते हैं कि मैं उस रात को सोया नहीं था, क्योंकि मेरे को डर था कि कैसे स्कैन होगा और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और जब स्कैन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि अब मैं आराम से सो सकता हूँ। आगे इस चैप्टर में और बताया जाता है कि जब किंग टट की बॉडी दोबारा उसके मकबरे में रखी गई, तारों समूह से एक ओरियन बनता है, जो ओरियन जो है वो इजिप्ट पुरानी इजिप्ट में गॉड माना जाता है, कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो इस लाइफ के बाद की दूसरी लाइफ है, मृत्यु के बाद की जो लाइफ है, उस लाइफ का जो गॉड है वो ओरियन माना जाता है, और उसका कॉन्स्टेलेशन भी किंग टट के मकबरे के ऊपर था, ये बताया जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर मैं मानता हूं थोड़ा सा हार्ड है समझने में, बट अगर आप इसको पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इसकी कुछ वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत हार्ड है, जो मीनिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के समरी के साथ। थैंक यू एंड बाय। Thanks for watching.